30/35 इक्वल टू 1050 स्क्वायर फीट। ठीक है, का एक प्लान बनाएंगे जिसमें रहेगा 3 BHK, पूजा रूम, विथ स्टोर। तो शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा बिल्डअप एरिया, जो लेंथ में 35 फीट रहेगा और विड्थ में 30 फीट रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आउटर वॉल जो 9 इंच का रहेगा। अभी हम पार्टीशन करके जो इनर वॉल ड्रा करेंगे और रूम्स वगैरह निकलते जाएंगे। ये जो इनर वॉल रहेगा ये रहेगा 5 इंच का। ठीक है, तो ये रहा दो रूम रेडी हो गया। फिर इधर एक खींचेंगे, इधर खींचेंगे, हम चारों तरफ कॉलम अरेंज करेंगे ना, इसीलिए जो इनर वॉल ये 9 इंच का जो ना कुछ ज़रूरत नहीं है, 5 इंच सफिशेंट है, क्योंकि हमारा पूरा बिल्डिंग कॉलम में खड़ा रहेगा। अब ये हम ड्रा करेंगे सीढ़ी, सीढ़ी ये वाला जो सीढ़ी खींच रहा हूँ ये 6 फीट का लंबा रहेगा, चौड़ा 3 फीट का रहेगा, और ऊपर जो ये वाला 3 फीट का चौड़ा और 5 फीट का लंबा रहेगा। ठीक है, अभी हम वॉल फिलिंग करेंगे, कहाँ पर दरवाज़ा रहेगा, कहाँ पर विंडो रहेगा, कहाँ पर वेंटिलेशन रहेगा, इस हिसाब से वहाँ वॉल फिलिंग करते जाएंगे। ठीक है, ये जो बाहर का वाल जो मार्किंग कर रहा हूँ ये वाला वाल 9 इंच का रहेगा, मैं पहले से ही आपको बोल चुका हूँ। ठीक है, बोला देखो जहाँ पर मैं वैकेंस छोड़ा हूँ ना, छोड़ते छोड़ते जा रहा हूँ वैकेंस, मतलब ये सब दरवाज़ा और विंडोज ये सब रहेगा, आगे सब एक एक करके बताऊंगा, आप पेशेंस के साथ वीडियो देखते जाइए और मैं पूरा डिटेल्स आपको प्लान के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये रहा ये यू इनर वॉल ड्रा किया, इनर वॉल ये सब 5 इंच का रहेगा, और ये वाला जो छोटा छोटा मैं ड्रॉ किया हूँ ये वाला 3 इंच देने से भी चलेगा, 5 इंच का भी ज़रूरत नहीं, 3 इंच का भी चलेगा कुछ, क्योंकि वो छत का लोड जो बीम के ऊपर ही पूरा के पूरा आएगा। ठीक है, तो ये रहा
अब हम वॉल फिलिंग कर दिया, हमारा ये वॉल फिलिंग हो गया पूरा। अभी दरवाज़ा सब मार्किंग करेंगे, ये है मेन डोर, इसके बाद यहाँ पे एक डोर लगेगा, ये जो डोर 3 फीट का है, ये वाला डोर है 2.3 इंच का है, ये वाला एक डोर, ये वाला भी रहेगा 3 फीट का। यहाँ पे एक छोटा सा रूम, ये वाला 2 फीट 3 इंच का, ये वाला भी 2 फीट 3 इंच का रहेगा, ये वाला 3 फीट का रखेंगे। एक डबल डोर लगेगा यहाँ पे, डबल डोर, ये वाला 3 फीट का रहेगा, ये वाला 2 फीट 6 रखेंगे, और ये वाला लास्ट में 3 फीट का एक दरवाज़ा। अभी हम विंडो सब मार्किंग करेंगे, 1 2 3 वेंटिलेटर विंडो, 4 वेंटिलेटर वेंटिलेटर विंडो विंडो विंडो। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्लान 30x35 का, जो 1050 स्क्वायर फीट का प्लान है। अभी मैं इस प्लान के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन डिटेल जानने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो जानते हैं प्लान की डिटेल्स में। ये है ईस्ट की दिशा, इधर है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो हमारा जो प्लान है वो साउथ की तरफ फेस करेगा, साउथ की दिशा में फेस करेगा, फेसिंग साउथ, साउथ फेस में। तो हम इधर एंट्री करेंगे, यहाँ पे हम लोग गेट लगाएंगे या ग्रिल लगाएंगे, ये जब एंट्री करेंगे ये वाला हमको एक 5 फीट का गेट मिलेगा, गेट जब एंट्री करेंगे ये बारंडा। ये है एक छोटा सा बारंडा जिसका डायमेंशन है चौड़ाई में 8 फीट 1 इंच और लेंथ में 11 फीट 6 इंच का मिलेगा हमको। तो जाने से पहले इधर हम एक सीढ़ी मिलेगा हमको दाएं की तरफ राइट हैंड साइड, ये सीढ़ी रहेगा 3 फीट चौड़ाई का। इधर से हम लोग अप जाएंगे, अप ऊपर जाएंगे, अप इधर जाएंगे, अप ऊपर, यहाँ जाके हम लोग ऊपर जाएंगे। इसके बाद हम लोग पाएंगे मेन डोर, ये है मेन डोर। मेन डोर का जो डायमेंशन है ये है 4 फीट का मेन डोर है। हम मेन डोर में एंट्री करेंगे, ये है हमारा ड्राइंग रूम, ड्राइंग कम लिविंग रूम। इसका जो चौड़ाई है 11 फीट 6 इंच, लेंथ में यहाँ से यहाँ तक का 16 फीट और यहाँ से यहाँ तक का 15 फीट। तो हमको 11 फीट 6 इंच × 16 फीट का ड्राइंग रूम मिल गया। यह है कॉमन लेटरिन बाथरूम जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। इसका जो विड्थ है 4 फीट और लेंथ में 6 फीट। इसके बाद बाएं की तरफ जाएंगे तो ये हमारा मास्टर बेडरूम,
इसका जो विड्थ है इसका जो लेंथ है 11 फीट 2 इंच का है और विड्थ में 11 फीट है, तो लगभग सेम साइज का है, स्क्वायर टाइप का है बेडरूम 11 फीट इंटू 11 फीट 2 इंच का। इसके साथ हम लोग एक लेटरिन बाथरूम अटैच रखे हैं, टॉयलेट कम बाथरूम। इसका जो चौड़ाई है 4 फीट के और लेंथ में है 5 फीट 6 इंच का। सेकंड में जाएंगे बेडरूम 2, इसका जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक का यह है 10 फीट और यहाँ से यहाँ तक का 11 फीट। तो बेडरूम सेकेंड बेडरूम हमारा 10 फीट इंटू 11 फीट का है। अभी हम जाएंगे बेडरूम 3, इसका जो हम विड्थ में पाएंगे हम लोग 11 फीट 2 इंच का और लेंथ में पाएंगे 13 फीट का। तो ये वाला बेडरूम इस प्लान में सबसे बड़ा है, 11 फीट 2 इंच इंटू 13 फीट का। आप इसे भी मास्टर बेडरूम कर सकते हैं, अब वास्तु के हिसाब से जाएंगे तो ये वाला मास्टर बेडरूम अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन ये रोड के साइड में रहेगा इसीलिए मैंने इसको मास्टर बेडरूम चूज किया था, नहीं तो अब ये वाला अच्छा रहेगा वास्तु के हिसाब से। तो इसमें भी हम लोग एक लेटरिन बाथरूम टॉयलेट कम बाथरूम अटैच रखे हैं, जिसका विड्थ है 3 फीट 8 इंच और लेंथ है 6 फीट 10 इंच। अभी हम जाएंगे, ये है पूजा रूम, जिसका विड्थ है चौड़ाई है 3 फीट 8 इंच और लेंथ है 6 फीट 10 इंच। इसके बगल में हम एक स्टोर अरेंज किए हैं, इसका जो चौड़ाई है 4 फीट 11 इंच का और लेंथ में है 6 फीट 10 इंच का। यह है किचन, किचन किचन का जो चौड़ाई है 7 फीट 8 इंच का और लेंथ में लंबा में 10 फीट का। अभी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर कलम रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 ठो कलम पे हमारा पूरा मकान पूरा घर खड़ा रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये प्लान आपको पसंद आया होगा, तो एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।